Hello students, in this video we shall study the questions that can be set from the most important topic of biological classification chapter, that is kingdom fungi 2.3. Let us have a look on all the kinds of questions that can be set. 2.3 kingdom fungi, it includes eukaryotic organisms, that we know, and all these eukaryotic organisms are multicellular in nature, but there is one exception, and that exceptional case becomes an important point, and that is nothing but the yeast, which is unicellular in nature. This is most important part. Okay, now fungi constitute a unique kingdom of what? Heterotrophic organisms. But these heterotrophic organisms are basically saprophytic in nature. They are saprophytes and show absorptive type of mode of nutrition. This is an important point. Barabar. मॉर्फोलॉजी और डाइवर्सिटी, ये दो, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट, इन दोनों में दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी. अब ये कहाँ मिलता है? मॉइस्ट ब्रेड पे मिलता है, रॉटन फ्रूट्स पे मिलता है, सड़े हुए फल और मॉइस्ट ब्रेड. मॉइस्ट ब्रेड पे जो ग्रो हो रहा है उसका नाम रख दिया भाई ब्रेड मोल्ड. बराबर. कॉमन मशरूम्स यू ईट, यानी एडिबल मशरूम्स आर अवेलेबल. And the toadstools are also fungi. यहाँ पे ये जो toadstool है, that becomes an important part. This is common name. And its biological name is Amanita muscaria. Okay. इसकी एक और species होती है Amanita phalloides. अब ये मस्कैरिया जो है, इट प्रोड्यूसेस डेडली डेंजरस पॉइजन, आल्सो कॉल्ड अ सीजर्स पॉइजन, एंड इट्स नेम इज मस्कैरिन, यूज्ड फॉर फ्लाई किलिंग. रेयरली ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो इसके मस्कैरिन तक पहुंचेगा, इतने में तो मिला नहीं है, लेकिन एमेनिटा मस्कैरिया काम की चीज़ है. बराबर. यू कैन सी वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, दे आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस. अल्ब्यूगो ये काम करेगा. मस्टर्ड यानी क्या? तो मस्टर्ड इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी. बराबर. और मस्टर्ड का जेनेरिक नेम जो है वो है ब्रासिका. बराबर. ब्रासिकेसी पे फाइकोमाइसेटिस के मेंबर्स अटैक करते हैं. अब देखो आगे चल के यूनिसेल्यूलर फंजाई ईस्ट की बात हुई है, जहाँ पे इट कैन बी यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, और इसलिए उसको जो बियर में यूज हो रहा वो ब्रूअर्स ईस्ट, जो बेकरी में यूज हो रहा वो बेकर्स ईस्ट. फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है. जहाँ व्हीट रस्ट करके जो डिसीज है, जहाँ स्टेम लीव्स ये रेडिश पैचेस दिखाएंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ पक्सीनिया. पक्सीनिया का पूरा नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस. बराबर. इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. सम आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम विच गिव्स पेनिसिलिन. मैं इस पूरे पार्ट पे जिस क्वेश्चन को अब एक्सपेक्ट करता हूँ वो है मैच द कॉलम्स का. यहाँ दो कॉलम्स बनेंगे बच्चों, एक में यूज या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पार्ट आएगा या जनरल कॉलम बनेगा, और दूसरा एग्जाम्पल का. मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है. बराबर. वो किस टाइप से रहेगा? तो मस्टर्ड लीव्स, वाइट स्पॉट्स, पैरासिटिक फंगस, पक्सीनिया, व्हीट रस्ट, पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ईस्ट, बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट. इस तरीके से वो क्वेश्चन बनता है. फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन. अब उनके हैबिटेट के बारे में बात हो रही है, कहाँ कहाँ मिलते हैं. ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. They prefer to grow in warm and humid places. Most important part. क्यों? क्योंकि जब यहाँ identify the incorrect or correct statement का part आएगा, ये question यहाँ बैठता है क्या? तो answer है yes.
इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट आर के लिए डब्ल्यू, रॉन्ग के लिए स्टेटमेंट, के लिए स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं। तो एग्जामिनर यहाँ क्या करेंगे ये बात याद रखो, क्वेश्चंस कहाँ से शुरू होंगे ये भी याद रखो, बराबर। ये मैं अगर पेपर सेटर हूँ तो मैं यहाँ से उठाऊंगा उसको, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू सिम्बायोटिक फंगस, गलत हो गया स्टेटमेंट, पैरासिटिक इज द करेक्ट वर्ड, बराबर। और इसलिए मस्टर्ड को मैं डब्बा बनाऊंगा और पैरासिटिक फंगस को भी मैं डब्बे में डालूंगा, ये बात याद रखो। यहाँ मैंने यूनिसेलर फंजाई ईस्ट की बात की है, अगर मुझे इस स्टेटमेंट को गलत करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना है, तो मेरा टारगेट विल बी यूनिसेल्युलर फंगस जिसको मैं बनाऊंगा मल्टी सेल्युलर, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, बराबर। ऐसा ही वी ट्रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक को मैं एज इट इज रहने दूंगा, बट फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में से, मेरा काम का वर्ड है वार्म, इस वार्म के जगह मैं वहां पे करूंगा कोल्ड, बराबर, तो वो गलत हो जाएगा। साइमल्टेनियसली जब मैं इस लाइन पे चलता हूँ कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, तो ये मेरा एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का पार्ट बनता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप का क्वेश्चन बना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग रेगुलरली इस प्लेलिस्ट को देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख रहे होंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप लोग जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करें, आपका फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और साथ में प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं क्वेश्चन पेपर का लिंक डाला हूँ 38 चैप्टर्स के 38 पेपर से, वो भी आप देखिए, बराबर। अब यहाँ स्टेटमेंट वन जो मेरा बना कि वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बराबर। स्टेटमेंट टू क्या रहेगा, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट वन। और इसलिए बच्चों ये जो पैराग्राफ है इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। आगे बढ़ते विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, तो अब इसे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये बार बार हो गया है, फंजाई आर फिलामेंटस, बराबर, फंगल बॉडी इज, आंसर रहेगा फिलामेंटस। इस पूरे लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये फिलामेंटस है, बॉडी में क्या है, बराबर, फंगल बॉडी इज मेड अप ऑफ, तो उसके अंदर लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका नाम भाई यहाँ काम का है और वो है हाइफी। द कंपोनेंट इज हाइफी बट द बॉडी इज टर्म्ड एज माइसेलियम, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम। सो यहाँ एक एडिशनल पॉइंट आप बाजू में मेंशन करो, बहुत जगह होती है टेक्स्ट बुक में, फंगल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। ये मेरा 4 मार्क का एक और क्वेश्चन बना, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, इनको मैं सिनोसिटिक हाइफी बोलता हूँ, बराबर। कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म आर सिनोसिटिक हाइफी, असेप्टेट हाइफी ऐसे उनको बोला जाएगा। और जिनमें क्रॉसवॉल्स है, सेप्टम है, पार्टीशन है, उन्हें मैं सेप्टेट हाइफी बोलता हूँ, काम की चीज। आप इस चैप्टर के टीचिंग का प्लेलिस्ट देखिए, वहां आपको इनकी डायग्राम्स भी मिलेगी, आपके काम की है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, आंसर रहेगा काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, बराबर। अब ये पॉलीसेकेराइड को मैं थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा रहा हूँ भाई, पॉलीसेकेराइड जो है वो कौन सा, तो फाइकोमाइसिटिस के अंदर मुझे उसके वॉल में फंगल सेल्यूलोज का प्रेजेंस मिलता है, और ये फंगल सेल्यूलोज जो है वो जा रहा आपका कहाँ, फाइकोमाइसिटिस में है, बाकी सब में काइटीन है, बराबर। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वाई, तो इस लाइन पे मेरा क्वेश्चन का जो टाइप बनता है वो है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू,
अब मैं इतने ज़्यादा स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि इस साल के पेपर में पूछे गए थे। ये हमें बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें होती है वो समझने में हेल्प करेगा, और हर लाइन का इंटरप्रिटेशन हर आदमी का अलग अलग तरीके से होता है। बराबर, मैंने स्टेटमेंट, मैंने एसर्शन बनाया। अब स्टेटमेंट वन और टू के जगह मैं एसर्शन रीज़न बोल सकता हूँ। मैंने एसर्शन बनाया कि मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई एसर्शन इज करेक्ट। अब मुझे रीज़न उसका रॉन्ग बनाना है, तो मैं लिखता हूँ फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। इनसोल्यूबल नहीं है वो, सोल्यूबल है, और अलग तरीके से गलत बनाते, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मैटर, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर सही एक बार और करके देखते कि और कहीं गलत बनता है क्या, तो यस बनेगा। सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट के जगह, डेड के जगह मैं लिविंग कर दूँ, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और इसलिए इस लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डब्बे में डालते हैं, हेटेरोट्रॉफिक सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, और तीसरा वर्ड डेड सबस्ट्रेट्स। लाइन पे रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग एनिमल्स, उनको पैरासाइट बोलेंगे। भाई जो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है उनको हम लोग पैरासाइट बोलेंगे। बराबर, अब वो एंडो पैरासाइट हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। सम आर सिम्बायंट्स, कुछ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जैसे अलगी के साथ है वो लाइकेंस में। बराबर, बट कौन से टाइप का फंगस सबसे ज़्यादा मिलता है लाइकेंस में, दिस कैन बी द क्वेश्चन, एंड दैट विल बी ड्यूटेरोमाइसेटिस। 4 मार्क। ड्यूटेरोमाइसेटिस वो फंगस है जो मुझे सबसे ज़्यादा मिलता है लाइकेंस में। माइकोराइजा की भी बात हुई है, माइको यानी फंगस, राइजा यानी रूट, यानी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ फंगल एसोसिएशन। ये या तो बाहर से रहेगा तो एक्टोमाइकोराइजा, अंदर जाएगा तो एंडोमाइकोराइजा। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंजाई के। फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है, इट कैन टेक्स प्लेस बाय ऑल मीन्स। बराबर, अलग अलग टाइप के मेथड्स है, बाय ऑल मीन्स। फ्रेगमेंटेशन भी होता है, फिशन भी होता है, बडिंग भी होता है। बट ये सब कब होते हैं ये समझो, ये मेथड्स टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशन फेवरेबल हो तब होगा। बट बच्चों, जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी तब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है क्या? तो उसका आंसर है यस। बराबर, और वो किस चीज से होगा? तो यहां दो चीजें बनती है, राइजोमॉर्फ, ये आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा इस चैप्टर के, और दूसरा बनता है स्क्लेरोटियम। ये दोनों चीज़ें बनती है यहाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बराबर, आगे चलते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। फिर कौन से टाइप के स्पोर्स बनते हैं? असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या है, इस लाइन को पकड़ के बच्चों मेरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन, और मेरे चार ऑप्शंस क्या है ये समझो। बराबर, मेरे चार ऑप्शंस है कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, और चौथा है ऊस्पोर। बराबर, अब इसमें से ऑड क्या निकलेगा? तो इसमें से बच्चों जो ऑड निकलता है वो ऊस्पोर है। क्यों? क्योंकि ऊस्पोर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बराबर, वो ऊस्पोर सेक्सुअल स्पोर हो गया। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर से, इनमें अगर मैं इनमें से कोई एक रखूँ तो वो ऑड निकलेगा, और इसलिए ये सारा का सारा पार्ट जो है इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसे अंडरलाइन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बराबर, द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज, अनादर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनादर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ सबसे काम की चीज़ क्या है? यहाँ सबसे काम की चीज़ है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडीज। बराबर, सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स,
यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या? आंसर है यस। क्या बनेगा? यहाँ का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है 100%। बराबर, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल मेल गमिट्स, तो वो हो गया प्लाज्मोगैमी। बराबर, अब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गमिट्स, उसको प्लाज्मोगैमी बोला है। एग्जामिनर को अगर ये गलत करना है स्टेटमेंट, तो वो वर्ड चूज करेंगे प्रोटोप्लाज्म का या फिर प्लाज्मोगैमी का। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट बी कैरियोगैमी, इट इज प्लाज्मोगैमी। बराबर, एंड द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कैरियोगैमी। यानी ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग बनाने के लिए जो चीज़ें काम की है वो ये है, टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसमें आंसर में रॉन्ग क्या किया जा सकता है? मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर। इससे ज़्यादा के क्वेश्चंस ये पार्ट प्रोड्यूस नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। वेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ अ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। बराबर, यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट में ये जाएगा या करेक्ट स्टेटमेंट में जाएगा, तो यहाँ जो वर्ड हमें याद रखना चाहिए वो कॉम्पेटिबल है। बराबर, टू हैप्लॉइड सेल्स का इमीजिएट फ्यूजन जो है वो क्या कर रहा है, देखो अभी। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप में जाएगा, ये बात याद रखिए। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीजिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, दैट इज ट्रू। हाउएवर इन अदर फंजाई, अदर फंजाई यानी कौन, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। अब बचे कौन, बचे कौन, ये पॉइंट पे हम लोग आने वाले हैं। बराबर, फंजाई में एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस में एक इंटरवनिंग स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज मिलती है। इसका मीनिंग मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना है भाई। इंटरवनिंग का जनरल वर्ड जो है वो है इंटरमीजिएट। बराबर, डाई यानी टू, कैरियन यानी न्यूक्लियस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई एक साथ रहेंगे, एन प्लस एन टू न्यूक्लियाई पर स्टेज को वो इंडिकेट करेगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। और फेज को क्या बोलते हैं? तो डाइकैरियोफेज। और ये पार्ट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ मेरे सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो है लाइन बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज इट इज लाइन बनेगी क्वेश्चन। जैसे इन सम फंजाई एन इंटरवनिंग स्टेज नोन एज डाइकैरियोटिक स्टेज इज प्रेजेंट, दीज फंजाई बिलोंग टू, आंसर विल बी एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। बराबर, डाइकैरियन यूजुअली डेवलप्स इन द फंजाई और द फंगल ग्रुप, आंसर एस्कोमाइसेटिस बेसिडियोमाइसेटिस। तीसरा क्वेश्चन, द इंटरवनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज विच शोज टू न्यूक्लियाई पर सेल इज नोन एज, आंसर डाइकैरियन। दूसरा क्वेश्चन, द फेज इन विच टू न्यूक्लियाई पर सेल डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड एज डाइकैरियन इज, आंसर विल बी डाइकैरियोफेज। अगला क्वेश्चन, डाइकैरियोफेज इज कॉमनली सीन इन द फंगस एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। देखो, फंजाई के चार ग्रुप्स है, दो यहाँ मेंशन किए हैं, एस्कोमाइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस। तीसरा है फाइकोमाइसेटिस और फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइसेटिस। ड्यूटेरोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज ही नहीं मिलती, और हम लोग यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज की बात कर रहे। इसका मतलब ये है कि 101% इस पर्टिकुलर पार्ट में ड्यूटेरोमाइसेटिस हो ही नहीं सकता। यहाँ फाइकोमाइसेटिस में डाइकैरियन बनता नहीं है। ये पॉइंट काम का है कि फाइकोमाइसेटिस में हमें डाइकैरियन नहीं मिल रहा है, टेक्स्ट बुक नहीं दे रहा है भाई। बराबर, अब ये पेरेंटल न्यूक्लियाई आगे चल के फ्यूज होने वाले हैं, वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे।
फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच ऑन रिडक्शन डिवीजन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. ओके दैट इज ओके. बट इस पूरे पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ द किंगडम इंटू वेरियस क्लासेस. क्वेश्चन लाइन बेस्ड, लाइन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा फिर से इस पॉइंट पे. और वो क्या रहेगा, वो लाइन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इंटू डिफरेंट क्लासेस. वन स्पोर फॉर्मेशन, टू फ्रूटिंग बॉडीज, थ्री माइसेलियम, फोर्थ नन ऑफ दीज. एंड आंसर विल बी नन ऑफ दीज. बराबर, ये बात याद रखिए. आगे बढ़ते हैं. अब ग्रुप्स की बात आती है. फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस आर कॉमनली नोन एज अलगल फंजाई. इनको अलगल फंजाई बोला जाएगा और उसके पीछे का रीजन जो है वो फंगल सेलुलोज का प्रेजेंस है. यहाँ का हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट. ऐसा जो पार्ट है पैराग्राफ का, इसके ऊपर सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर के बनते हैं वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. बराबर, और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये परमानेंटली याद रखिए. यहाँ फंजाई को लेकर ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है. दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों इस पॉइंट पे, वो रहेगा लाइन बेस्ड क्वेश्चन का. और बहुत रेयरली सारे चीज़ों को मिलाकर कुछ बनाने की कोशिश की तो क्वेश्चन बनेगा मैच द कॉलम्स का. यहाँ मैं इस पार्ट में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उनके तरफ ध्यान आपका लेके जाने वाला हूँ. बराबर, फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बराबर, माइसेलियम इज असेप्टेट एंड सिनोसिटिक. यहाँ वर्ड क्या इम्पॉर्टेंट, असेप्टेट यानि मल्टी न्यूक्लिएट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट में इसको सेप्टेट किया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है और इसलिए इन वर्ड्स को मैंने डब्बा किया है यहाँ पे. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसके स्पोर्स कौन से, तो ये मोटाइल जूस्पोर प्रोड्यूस करता है और नॉन मोटाइल अप्लैनोस्पोर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट में एग्जामिनर का टारगेट क्या है, एग्जामिनर का टारगेट जूस्पोर है जिसके ब्रैकेट में वो मोटाइल को नॉन मोटाइल कर सकते हैं और अप्लैनोस्पोर में ब्रैकेट को नॉन मोटाइल की जगह मोटाइल कर सकते हैं. देखो बच्चों, यहाँ टर्मिनोलॉजी नहीं बदलेगी, स्पोर का नाम नहीं बदलेगा. जो चीज़ बदलेगी वो उनके मोटिलिटी को लेकर है, ये बात याद रखिए. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंडोजिनसली यानी इनसाइड द स्पोरेंजियम. यहाँ का मेन वर्ड क्या हो गया, यहाँ का मेन वर्ड हो गया बच्चों एंडोजिनसली. इसको रॉन्ग करते वक्त एग्जामिनर इसको बोल सकते हैं एक्सोजिनसली. बराबर, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गमेट्स. दिस कैन नॉट बी चेंज, इट विल बी एज इट इज. चेंज नहीं हो सकता ऐसे नहीं, बट करेंगे नहीं. बराबर, अब यहाँ जो जाइगोट बनने की प्रोसेस है, इट कैन बी आइसोगैमस और अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस. कॉमन एग्जाम्पल कौन है, म्यूकर है, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर, और अल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड. बराबर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और यहाँ अगर मैं पेपर में जाऊँ तो मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं यहाँ मैच द कॉलम्स के क्वेश्चन के तरफ आपका ध्यान लेके जाऊँगा. आगे बढ़ते, एस्कोमाइसिटिस. एस्कोमाइसिटिस का दूसरा नाम नीचे दिया है, बट मेरा कहना है कि उसके बाजू में लिख के रखिए भाई, वो सैक फंजाई है. बराबर, सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. ओके, द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर यानी सैकेरोमाइसिस. अब यहाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बराबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत काम की चीज़ चल रही है, ये बात याद रखिए. यहाँ एग्जामिनर जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये उनका स्टेटमेंट वन है, कोई चेंज नहीं करेंगे.
मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं यहां बदलूंगा इसको। एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, एंड रेयरली यूनिसेल्यूलर, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम। स्टेटमेंट ही रॉन्ग कर दिया यहाँ। इनकी फूड हैबिट और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ मेंशन किया है। सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन? कॉप्रोफिलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बना भाई? यहाँ का क्वेश्चन बनता है लाइन बेस्ड। द फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस फंजा, कॉप्रोफिलस फंजाई, एंड दे बिलोंग टू एस्कोमाइसिटिस। ऐसा क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते, माइसेलियम कैसा है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, दोनों वर्ड्स बिकम इंपॉर्टेंट, बराबर। असेक्सुअल स्पोर्स कौन से है? असेक्सुअल स्पोर्स है कॉनिडिया, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहे, स्पेशल माइसेलियम कॉनिडियो फोर पे। ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर को अगर इसमें चेंजेस करने हैं करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए, तो उनका टारगेट असेक्सुअल रहेगा। वो असेक्सुअल के जगह सेक्सुअल बोलेंगे और एक्सो के जगह करेंगे एंडो। कॉनिडिया क्या करती है? ऑन जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? तो सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्को स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। ये बात याद रखिए, कॉनिडिया एक्सोजिनसली, एस्को स्पोर्स एंडोजिनसली। कॉनिडिया असेक्सुअल स्पोर, एस्को स्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और सैक, दैट इज एस आई, सिंगुलर इज एस्कस, इसमें प्रोड्यूस होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मिलता है, एक एस्कस में ओनली 8 स्पोर्स आर प्रेजेंट, बराबर। एस आई आर अरेंज्ड इन एस्को कार्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। एग्जाम्पल्स एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्रैसा ऐसा उसका नाम है। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, मैच द कॉलम, कंप्लीट द लाइन, बराबर। यहाँ फिर से क्वेश्चन क्या बना? वो बनता है मैच द कॉलम्स का, बराबर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी लाइन बेस्ड, ये क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है। बट इसमें क्लेवाइसेप्स जो है, दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्लेवाइसेप्स में क्या है? क्लेवाइसेप्स का कॉमन नेम है इरगॉट फंगस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर वर्ड क्वेश्चन। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस अ हेल्यूसिनोजेन। हेल्यूसिनोजेन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस दैट विल क्रिएट हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन यानी दिन दहाड़े ख्वाब देखना। और वो कौन सा हेल्यूसिनोजेन है? वो है एलएसडी। और एलएसडी यानी क्या? एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड डाइइथिल अमाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बराबर। ये एडिबल डेलिकेसीज आएंगी, मॉरेल्स, ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बराबर। एडिबल एंड कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आगे कम टू नेक्स्ट पार्ट, बैसिडियोमाइसिटिस। क्या कॉमन नेम है भाई? दे आर कॉल्ड एज क्लब फंजाई, ब्यूटिफुल होते एकदम, बराबर। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, एंड पब बॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ ग्रो हो रहे? सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्स पे, बराबर। कुछ इनमें पैरासाइट्स है, रस्ट एंड स्मट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रस्ट ऑफ व्हीट एंड स्मट ऑफ जवार, रस्ट रस्ट ऑफ व्हीट एंड स्मट ऑफ जवार, ये डिसीजेस है, बराबर। माइसेलियम कैसा है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड जनरली, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से है, बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नो सेक्स ऑर्गन्स, बराबर। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ नहीं बनते, यहाँ पे सीधा प्लाज्मोगैमी है टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स में, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स के है, बराबर। अब इस पूरे पार्ट में ये डाइकैरियोटिक फेज जो यहाँ बनेगा, वो डाइकैरियोटिक फेज हमें क्या देता है? तो डाइकैरियोटिक फेज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। यहाँ कैरियोगैमी और मियोसिस होगा बेसिडियम के अंदर, और कितने स्पोर प्रोड्यूस करेगा?
इट विल प्रोड्यूस ओनली 4 बेसिडियोस्पोर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बेसिडियोस्पोर्स कैसे बन रहे? तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन। चार मार्क किस में बन रहे? बेसिडियम में बन रहे। और बेसिडिया कहाँ अरेंज की है? तो बेसिडियो कार्प में। हर लाइन क्वेश्चन। कॉमन मेंबर्स कौन है ये पूछा जाएगा। एगेरिकस है, यूस्टिलैगो है और पक्सीनिया है। इनके कॉमन नेम पे बनता है मैच द कॉलम्स। अब यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन टाइप वही है जो इसके पहले था, वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, बराबर। उसके बाद दूसरा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, लाइन बेस्ड, बराबर। उसके बाद नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड, उसके बाद स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बनेगा कॉमन नेम और बायोलॉजिकल नेम मैच द कॉलम्स का। कम टू नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज ड्यूटेरोमाइसेटिस, बराबर। इनका भी एक नाम है, दिस आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाय। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाय? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई स्टेज हमें इनमें नहीं मिलती। जिन फंजाय में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज मिलती है उन फंजाय को यहां सिर्फ सेक्सुअल फेज नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीजें हैं, बराबर। अब देखिए, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, बराबर। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाय वेर डिस्कवर्ड, दे आर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, बराबर। इसका मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है कि एक फंगस का वेजिटेटिव और असेक्सुअल स्टेज ड्यूटेरोमाइसेटिस में हो और उसका सेक्सुअल स्टेज किसी और को मिला हो तो उसने उसे दूसरे किसी ग्रुप में रख दिया हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेजेस हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसेटिस एंड द सेक्सुअल स्टेज अनादर प्लेस्ड अंडर अनादर क्लास। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ सारे क्वेश्चंस ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है एंड दैट टू लाइन बेस्ड क्वेश्चंस है। और जब लिंकेज उनका आ जाएगा तो उन्हें फिर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं परफेक्ट फंजाय में सेक्सुअल स्टेज मिलने के बाद, बराबर। वंस द परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटिस वेर डिस्कवर्ड, ऑफन मूव टू एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस। इनमें भी असेक्सुअल स्पोर्स कौन से बन रहे? तो इनके भी असेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया है, यानी एक्सोजिनस है। माइसेलियम कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। कुछ सैप्रोफाइट्स है, कुछ पैरासाइट्स है, कुछ जो है वो डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर है। बच्चों, यहाँ की एक भी ऐसी लाइन नहीं जहाँ क्वेश्चन नहीं, और इसलिए दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मिनरल साइकिलिंग में लीटर, लीटर का मतलब होता है फॉरेस्ट में पड़े हुए लीव्स, ड्राइड लीव्स, ट्विग्स, बराबर। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीन ऐसे फंजाय है ड्यूटेरोमाइसेटिस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ मैंने कोई बाजू में क्वेश्चन लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने इसके पहले देखे, टाइप वही है, सिर्फ लाइन बदलते जाएगी। ये तीन डायग्राम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बराबर। इनके नाम हटाकर जैसा मैंने लिखा है ए बी सी, तो इनका पहला क्वेश्चन बना आइडेंटिफाई द फंगस, दूसरा क्वेश्चन बना मैच द कॉलम्स, जहां पे एक कॉलम में नाम दिए जाएंगे दूसरे कॉलम में ग्रुप दिया जाएगा। सो मैच द कॉलम का पहला पार्ट नेम एंड ग्रुप, मैच द कॉलम का दूसरा पार्ट डायग्राम एंड नेम, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का, बराबर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का
ये सारा पार्ट हम लोगों को यहाँ मिलेगा। तो पहले कॉलम में डायग्राम, दूसरे कॉलम में नेम और तीसरे कॉलम में ग्रुप का नाम। ये थे सारे क्वेश्चंस फंजाई पे। अगला पार्ट विल बी विथ टू स्मॉल टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।